हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम बैक माय चैनल इंडियन ब्लॉगर भावना बनवाल। और कैसे हैं आप सब? और मैं आज आप सभी के साथ थोड़ा सा मैंने कुछ शॉपिंग किया है तो वो सब शेयर करना चाहती हूँ। तो सबसे पहले ही मैं आपको दिखाऊंगी अपना ये वाला स्टॉल। एक्चुअली स्टॉल मेरे पास पहले था लेकिन एक दिन ऑटो में बैठे बैठे वो कहीं गिर गया और मुझे पता भी नहीं लगा। तो ये स्टॉल मैंने लिया है, तो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और एक ये है, मैंने ये चुन्नी येलो कलर की है और बहुत ही प्यारा सा इसमें काम हुआ है। तो ये देखिए, लोगों को दिख रही होगी आई होप। देखिए इसमें ये काफी घेरदार भी है, अच्छी है, मतलब फ्लो लेंथ है इसमें बिल्कुल, तो बहुत ही प्यारी लग रही है। और एक ये वाली है, एक है ये वाली, ये सिंपल ऑफिस यूज के लिए बढ़िया है एकदम। एक ये है ये येलो कलर, देखिए इसकी भी फ्रॉक वाली है एक्चुअली। एक ये है ये ऑरेंज में, तो हमने हमने आपको सारी साड़ियाँ दिखा दी हैं। आपको कैसी साड़ियाँ कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। हाँ तो गाइस, मैंने जितना भी शॉपिंग किया था वो आप सभी से शेयर किया है। कुर्तियाँ हैं ये मेरी, वैसे यहीं पर आंटी हैं, मैं कहीं मार्केट से या वैसे नहीं लेके आती हूँ, यहाँ पर हमारे बगल में ही गली में आंटी रहती हैं। वो बहुत ही रिजनेबल प्राइस में और बहुत ही बढ़िया मटेरियल होता है उनकी कुर्तियों में, तो बहुत अच्छे, मतलब अगर आप लोग प्राइस पूछेंगे तो मैं प्राइस भी इसके जल्दी शेयर करूँगी। तो बहुत अच्छे रेट में सही ठीक ठाक कुर्तियाँ मिल जाती हैं और बहुत अच्छे चलती भी हैं। वैसे मैं एक्चुअली ऑफिस जाती हूँ तो थोड़ा बहुत ही, अगर मतलब एक दो महीने यूज़ होती है फिर उसके बाद नहीं यूज़ करती हूँ ज़्यादातर, दे ही देती हूँ, बट लेकिन फिर भी बहुत अच्छी कुर्तियाँ होती हैं। और वैसे जैसा कि श्राद्ध चल रहे हैं तो कुछ लोग मानते हैं कि श्राद्धों में हमें कपड़े नहीं खरीदने चाहिए, नहीं शॉपिंग नहीं करनी चाहिए, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं मानती हूँ। क्योंकि अगर हम वैसे भी देखें, अगर हम उस पर लॉजिक लगाएं, क्योंकि मैं वैसे भी कोई बात बिना लॉजिक के चलते समझ नहीं आती, मुझे हर चीज़ का लॉजिक चाहिए होता है। और मैं खुद भी जो कुछ भी करती हूँ, जो कुछ भी पूजा पाठ से रिलेटेड या अपनी रियल लाइफ में भी, हर चीज़ का मैं लॉजिक ढूंढती हूँ पहले। ऐसा नहीं कि मुझे किसी ने कुछ बोल दिया तो मैं उसको करने लग जाऊँ, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो मैं उसको, हर चीज़ को एक लॉजिक चाहिए होता है। और श्राद्धों में भी ठीक है कुछ हद तक, ऐसा भी नहीं है कि हम अपनी शॉपिंग ही करते रहें, घूमते फिरते रहें या बिल्कुल भी पूजा पाठ ना करें या दान पुण्य ना करें, तो वो चीज़ भी गलत है। तो लेकिन अगर हमें अपने पितरों को भी श्राद्ध करने चाहिए, इस पहले के ज़माने में इसलिए शायद मना किया होगा कि क्योंकि पहले के ज़माने में लोग बहुत एक जगह से दूसरी जगह जाने में बहुत टाइम लगता था या इतनी सारी फैसिलिटीज़ नहीं थी जैसे कि आज हैं, तो इसलिए उस टाइम पे कहा जाता होगा कि क्योंकि अगर इंसान कहीं कुछ लेने जा रहा है या कुछ भी करने जा रहा है तो इंसान को शायद पूरा टाइम उसी में लग जाता होगा और वो अपनी पूजा पाठ या जो भी समय गीता पढ़नी चाहिए या जो भी आपको पढ़ना चाहिए वो नहीं पढ़ पाता होगा। इसलिए शायद उस टाइम पे ऐसा कहा जाता होगा कि आपको कुछ भी नया चीज़ नहीं खरीदना चाहिए, ऐसा मैं मानती हूँ। ऐसा मैंने कहीं वैसे अभी तक पढ़ा नहीं है, बट लेकिन ऐसा मुझे, बट लेकिन फिर भी अगर
मैं मतलब आपके घर में या ऐसा कुछ है कि आपको नहीं खरीदना चाहिए तो आपको नहीं खरीदना चाहिए, बट लेकिन मैं ऐसा मानती हूँ कि अगर हमारे बड़े हैं या देव हैं पितर हैं तो अगर हम अच्छा कुछ पहनेंगे अच्छा कुछ लाएंगे तो वो क्यों नहीं खुश होंगे। ऐसा कुछ नहीं है, बस आपको अपने टाइम टाइम पे अपनी पूजा अपना जो भी उनके दान पुण्य करते रहना चाहिए, अपना गीता का पाठ करना चाहिए। तो ऐसा मैं मानती हूँ और ऐसा मैं पढ़ती हूँ, मैं इसलिए आप लोगों से बस अपनी एक्सपीरियंस शेयर कर रही थी। तो और बाकी मैं तो जैसा कि आप देख ही रहे हैं पूरी कुछ ऐसा शॉपिंग वॉपिंग जो भी मुझे करनी होती है, ऐसा भी नहीं है कि मैं स्पेशली कुछ शॉपिंग ही करती हूँ या कुछ है, लेकिन बस जो मुझे ज़रूरत है या जो मुझे लगा कि मुझे लेना है वो मैं ले लेती हूँ। तो और पहले कभी जो लॉजिक मुझे समझ में आया वो मैंने आप लोगों से शेयर किया ही है। तो बाकी जैसा आपके घर में बड़े लोग कहते हैं आपको ऐसा करना चाहिए, और श्राद्धों में खैर दान पुण्य तो हम सभी करते हैं, और मुझ पर तो खैर अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद पूरा ही रहा है, क्योंकि लाइक मेरे लिए श्राद्ध हमेशा से ही अच्छे रहते हैं। और वैसे भी मैं ऑलमोस्ट नवरात्रि की शॉपिंग हमेशा ही श्राद्धों में ही करती हूँ, क्योंकि हम लोग जैसे जॉब वाले हैं तो अगर मैं सोचूँ भी कि मैं श्राद्ध के बाद, वैसे भी श्राद्ध वाले दिन मावस ही होती है, अगले दिन से नवरात्रि लग जाती, तो ऐसा तो पॉसिबल है नहीं कि मैं नवरात्रि वाले दिन सुबह सामान लेके आऊँ, क्योंकि मेरे यहाँ ऑलमोस्ट पंडित जी सुबह 5 बजे आते हैं, तो हर साल ही वो सुबह 4:30 से 5:45 के बीच में आ जाते हैं। तो किसी भी करतल पॉसिबल नहीं है सुबह सामान लाना, तो हमें लाना तो उसी में है। ये बात सही है कि पितरों को विदा करने के बाद लाते हैं, तो मावस का जो भी आप लोगों को रहता है, बट लेकिन जैसा कि हम मैं जॉब कर रही हूँ तो मैं ऐसा भी नहीं है कि स्पेशल छुट्टी लेके फिर मैं कुछ सामान खरीदूँ, या फिर मुझे वो सब भी चीज़ें पसंद नहीं कि हपड़ दपड़ में अब ये खरीदना रह गया वो खरीदना रह गया, तो नहीं। तो मेरे लिए इसलिए रहता है कि मैं जो भी मुझे कपड़े हैं या जो भी मुझे माता रानी का सामान लाना है या जो भी, धीरे धीरे करके मैं अपनी एक लिस्ट बना लेती हूँ और धीरे 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 उस सामान को खरीद लेती हूँ, ताकि मैं त्यौहार को भी अच्छे से इन्जॉय कर सकूँ और मुझे बिल्कुल भी ऐसा ना लगे कि अब मेरा ये रह गया वो रह गया। तो वो सब चीज़ें मैं इसीलिए उसको प्रॉपर प्लान करके चलती हूँ, तो इसीलिए बस। और बाकी माता रानी का और ठाकुर जी का आशीर्वाद है, तो कभी ऐसा कोई दिक्कत भी नहीं रही है। तो चलिए बस, मैं तो बस थोड़ा सा, तो चलिए बस, काना भी बैठा है उसके हाथों में, वैसे खुजली हो ही रही है, बट लेकिन अब चलिए 2-4 दिन की बात और रह गई है, प्लास्टर कटने ही वाला, 10-11 दिन हो ही गए हैं। हाँ बेटा, अभी तो 5-7 दिन रह गए हैं। तो बस ये मैंने सेकंड वीडियो अपना ही से अभी वो वाला ब्लॉग ख़त्म करके ये वाला ऐसे ही स्टार्ट किया था कि चलिए मैं कुछ लेके आई हूँ तो मैं वो आप लोगों से शेयर करूँ। और आगे भी अब तो वैसे भी खैर नवरात्रि आने ही वाली हैं और फिर करवा आ रहा है, दिवाली आ रही है, तो हम सब शॉपिंग करते ही रहेंगे। तो आप लोग क्या क्या ले रहे हैं आप लोग भी मुझे ज़रूर बताइएगा, और मेरी शॉपिंग आप लोगों को कैसी लगी वो भी मुझसे ज़रूर शेयर करिएगा अपने कमेंट के द्वारा। तो चलिए इस वीडियो का यही एंड करते हैं, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।